बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग अपनी एनटी टेस्ट की और एफएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं बताऊंगी कि आपने एमडी कैट के लिए रिवीजन किस तरह से करनी है। व्हाट इज़ द की टू क्रैक एमडी कैट? अगर इस क्वेश्चन का मैं वन वर्ड आंसर दूँ तो वो होगा रिविजन। क्योंकि रिविजन के ज़रिए आपको एक टॉपिक पर कम्प्लीट कमांड हासिल हो जाता है और उसके बाद आपको वो टॉपिक भूलता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ टॉपिक को पढ़ें, उसको याद भी करें, उसका टेस्ट भी दें, लेकिन आप उसको रिवाइज ना करें बार बार, तो वो आपको एक हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद या एक महीने के बाद वो भूल जाएगा। तो इसलिए अगर आपने एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर रिविज़न करें। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आपने किस तरह से रिविज़न करनी है। तो आपने अपनी एमडी कैट की रिविज़न को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक वो रिवीजन है जो आप डेली बेसिस पर करेंगे, और एक वो रिवीजन होगी जो आप वीक के एंड पे जाके करेंगे, और इसके अलावा एक रिवीजन वो है जो आप मंथ के एंड पे जाके करेंगे, और एक रिवीजन आप करेंगे टेस्ट के ज़रिए। बिकॉज टेस्ट जो है वो बेस्ट वे ऑफ रिवीजन है। आपने जितना भी पहले पढ़ा होता है, जब आप उस चीज़ का टेस्ट देते हो तो वो आपका सारा रिवाइज हो जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि आपने डेली रिवीजन किस तरह से करनी है, वीकली रिवीजन किस तरह से करनी है, मंथली रिवीजन किस तरह से करनी है, और आपने टेस्ट के लिए किस तरह अपनी रिवीजन करनी है। अब आपने डेली रिवीजन किस तरह से करनी है, आपने जो भी लेक्चर लिए हैं वो आपने, यानी फॉर एग्जाम्पल आज के दिन आपने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, चाहे आपने अकेडमी जा के लिए हैं या आपने ऑनलाइन कहीं से लिए हैं या जिस तरह भी आपने लेक्चर्स लिए हैं, उन्हें आपने अपने रजिस्टर पे नोट किया, और उसके बाद जब आपने तमाम लेक्चर्स ले लिए तो उसके बाद आपने उन लेक्चर्स को रजिस्टर से जहाँ पे आपने नोट किया वहाँ से रिवाइज़ किया। उसके बाद वही टॉपिक आपने बुक से रिवाइज़ किया, यानी जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक है, फेडरल टेक्स्ट बुक है, या जो भी बुक आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आपने वो टॉपिक रीड किया। तो ये आपने ये किया कि जो टॉपिक आपने आज के दिन पढ़ा उसको आपने आज ही रिवाइज़ भी कर लिया। अब आपने जो पिछले दिन आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ भी करना है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो पिछले दिन टॉपिक पढ़े थे या जो लेक्चर लिए थे वो आपने अपने रजिस्टर से दोबारा रिवाइज़ करने हैं। इसके बाद आपने उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा बुक से भी रिवाइज़ करना है। उसके बाद आप बुक और रजिस्टर को क्लोज करके अपने माइंड में रिकॉल करें जो आपने प्रीवियस लेक्चर लिया था। इससे आपका पिछले दिन का लेक्चर भी रिवाइज़ हो जाएगा और जो कुछ आपने आज पढ़ा है वो भी रिवाइज़ हो जाएगा। वीकली रिवीजन आपने इस तरह से करनी है कि वीक के एंड पर, यानी संडे को आपको एकेडमी से छुट्टी होती है, तो इसलिए आपने करना ये है कि आपने उस वीक में जितने भी लेक्चर्स लिए और जितने भी टॉपिक आपने पढ़े उन सबको आपने रिवाइज़ करना है, उनको याद करना है आपने। उसके बाद आपने वो तमाम टॉपिक्स जो आपने उस वीक में पढ़े हैं वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करने हैं अच्छी तरह। अगर एक दफ़ा रीड करने से आपको वो टॉपिक याद नहीं होता तो आप दो दफ़ा रीड करें, तीन दफ़ा रीड करें। जितने दफ़ा आपको वो टॉपिक कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं हो जाता, आप टेक्स्ट बुक से उसको रीड करें। उसके बाद आपने वीक के एंड पर एक टेस्ट करना है जिसमें वो तमाम टॉपिक्स इंक्लूडेड हों या उनमें से कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड हों जो कि आपने उस वीक में पढ़े हैं। एक तो वो टेस्ट हैं जो आपकी एकेडमी में रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन एक टेस्ट संडे को आपने अपना खुद लेना है, और वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपकी एकेडमी में कोई ऐसा टेस्ट हुआ हो जो आप जिसमें आप अच्छा परफॉर्म ना कर सके हो, तो आप उस टेस्ट को दोबारा प्रिपेयर करके घर पे अटेम्प्ट कर लें, या आप किसी भी वेबसाइट से, लाइक सईद एमडी कैट वेबसाइट से, किप्स, अगर आप किप्स में जा रहे हैं तो आप स्टेप का टेस्ट डाउनलोड करके जो भी आपने उस वीक में टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर वो टॉपिक उस टेस्ट में इंक्लूडेड हैं तो आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करें। तो एक तो वो टेस्ट होते हैं जो आप अपनी एकेडमी में रेगुलरली दे रहे होते हैं, एक आपने वीक के एंड पर घर में भी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ताकि आप अपनी असेसमेंट कर सकें कि इस पूरे वीक में आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं और जितने भी लेक्चर लिए हैं आपको वो कितना प्रिपेयर है। अब आते हैं मंथली रिवीजन पर कि मंथ के एंड पर आपने किस तरह से रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले तो आपने वही के जो भी लेक्चर्स आपने पूरा मंथ कवर किए और जो भी टॉपिक आपने पूरा मंथ कवर किए उन सबको आपने रिवाइज़ करना है, उन सबको आपने याद करना है अपने लेक्चर नोट से भी और बुक से भी। उसके बाद आपने एक एफएलपी करना है। एफएलपी मींस फुल लेंथ पेपर, कि आपने जितना भी उस मंथ में पढ़ा है, जितने भी चैप्टर्स आपने उस मंथ में कवर किए हैं, उसका आपने एक फुल लेंथ पेपर करना है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज शामिल होंगे। क्योंकि
जब मैं एनडीकैट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं सिर्फ अपनी ही एकेडमी के टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करती थी, बल्कि मुझे अगर कहीं से भी किसी और एकेडमी का टेस्ट मिल जाता था तो मैं वो भी देख लेती थी। तो आप लोगों को भी अगर एनडीकैट से रिलेटेड कहीं से भी कोई मटेरियल मिल जाता है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि सईद एनडीकैट की वेबसाइट पर डिफरेंट अकेडमीज़ के टेस्ट अपलोड होते हैं, एक्सपर्ट एनडीकैट पर भी डिफरेंट अकेडमीज़ के टेस्ट अपलोड होते हैं, तो आप लोग अपनी एकेडमी का टेस्ट देने के साथ साथ बाकी अकेडमीज़ के टेस्ट को भी देख लिया करें। तो आपने मंथ के एंड पर एक FLP करना है जिसमें वो तमाम टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे जो कि आपने पढ़े होंगे उस मंथ में। इससे जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपके वो तमाम टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। तो अब मैं बताऊंगी कि आपने लास्ट 10 डेज में किस तरह से रिविजन करनी है जब आपके MD CAT में सिर्फ 10 दिन रह गए हों। तो सबसे पहले आपने बायो करनी है, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले बायो ही की थी, क्योंकि बायो बहुत लेंथी है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता बल्कि सारा रीड करना होता है और सारा याद करना होता है, और चूंकि एक एक लाइन आपने याद करनी होती है तो इसलिए इसको आप मैक्सिमम टाइम दें। सबसे पहले आप बायो करें, उसके बाद आपने केमिस्ट्री करनी है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों। उसको करने के बाद फिज़िक्स, क्योंकि लास्ट 10 डेज में आपकी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकी होती है कि आपने बस एक लास्ट टच देना होता है अपनी प्रिपरेशन को, आपने कोई दोबारा शुरू से नहीं रिवीजन अपनी स्टार्ट करनी होती, ठीक है। तो इसलिए फिज़िक्स आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप लेक्चर नोट्स, जो आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जो आप लेक्चर लेते रहे हैं डिफरेंट वहाँ से, और जो आपने अगर फार्मूला चार्ट बनाया हुआ है या वो आपको कहीं से मिल भी जाएगा तो वहाँ से आप फार्मूले याद कर लें, लेक्चर नोट से आप मेन मेन पॉइंट्स याद कर लें, ठीक है। बस यहाँ से इतनी आपने फिज़िक्स की प्रिपरेशन करनी है, आपने शुरू से सारी बुक लेके उसको रीड करना नहीं स्टार्ट कर देना। अपना टाइम आप सेव करें, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, और जो आपने रीड करना है ना वो आप सिर्फ लेक्चर नोट्स को रीड कर लें। उसके बाद जो एंड वाला दिन हो, यानी एंड वाले दिन से पहले, उसमें आपने इंग्लिश कर लेनी है और लॉजिकल रीजनिंग कर लेनी है। जो MD CAT से पहले आपका दिन है ना, अगर आपने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली है, यानी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग सब आपका रिवाइज हो चुका है, तो फिर आपने लास्ट जो MD CAT से एक दिन पहले का दिन है, उस दिन आपने अपने वो वाले टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज कर लेना है जो आपको भूलते हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जैसे केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 4 है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, उसमें एक जो सॉलिड वाला सेक्शन है उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्यूबिक सिस्टम और हेक्सागोनल सिस्टम और टेट्रागोनल सिस्टम, ट्राइगोनल सिस्टम, इस तरह की उनकी वैल्यूज दी गई, उनके एंगल्स की वैल्यूज और उनकी साइड्स वगैरह सब। तो ये टेबल जब बहुत भूलता है स्टूडेंट्स को, मुझे खुद भी बहुत भूलता है, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा दफ़ा रिवाइज किया। तो आप लोग इस तरह की चीज़ें जो आपको बार बार भूलती हैं, जैसे बायो में एंजाइम्स वाला जो चैप्टर है उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें हर एंजाइम और उसकी pH दी हुई है साथ में, वो आप लोग रिवाइज कर लें। तो एंड वाला दिन जो है, जो जिसके अगले दिन आपका MD CAT हो, उस दिन आपने वो वाली सारी चीज़ें रिवाइज करनी हैं जो आपको भूलती हैं। तो ये थी स्ट्रैटेजी MD CAT के लिए रिवीजन करने की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।